welcome to अपनी ग्रेजुएशन में राइट right? सो so, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे क्या एग्जाम पैटर्न है इस, uh, का, कितने कॉलेज आते हैं कौन सी बुक्स हमें रेफर करनी है कैसे हमें तैयारी करनी है प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा अगर आप क्लैट देने का सोच रहे हैं कभी एग्जाम कंडक्ट होता है कितना टाइम मिलता है तैयारी के लिए राइट कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं वेन यू गिव दिस एग्जाम तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर हम फुल फॉर्म बोले तो क्या है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक कॉमन टेस्ट है जो हर एक लॉ एस्पिरेंट को देना होगा टू एंटर इन टू अ कॉलेज राइट अभी जो क्लैट है ये हमें ध्यान रखना है ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एग्जाम रहता है अगर हम एन की बात करें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पाँच साल का जो आपका एक डिग्री या तो बी हो बी हो गया बी, बी हो गया एंड साथ में फिर एल राइट तो ये फाइव ईयर का कोर्स रहता है हवेवर बहुत सारे कॉलेजेस थ्री ईयर ग्रेजुएशन भी कराते हैं लेकिन वो पोस्ट ग्रैड होता है राइट right? क्योंकि पहले आपको अंडर ग्रेजुएशन में बी ए बी बी या कोई भी अलग कोर्स करना होगा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अलग से तीन साल के लिए फिर एल एल बी कर सकते हैं हवेवर यहाँ पर एनएलूज की अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें क्लैट यू जी के लिए फाइव ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है राइट right? Uh, जो ऑफिशियल वेबसाइट web, है उसका क्या नाम है कंसोर्टियम ऑफ एनल्यूज कंसोर्टियम ऑफ एनल्यूज ठीक है ऑल्सो अब ये जो एग्जाम होता है ये पेन एंड पेपर मोड में होता है ऑफलाइन होता है राइट सो दिस इज अ पेन एंड पेपर मोड टेस्ट आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये नहीं मिलेगा राइट right? अगर हम बात करें तो आपका यूजी क्लैट में यू हैं परफेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं यू डोंट हैव टू राइट समथिंग सब्जेक्टिव नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा राइट right? परफेक्ट सो वी हैव ट्वेंटी टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और साथ में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं uh, जो क्लैट के थ्रू एडमिशन लेती हैं वी हैव आर आई पी यूनिवर्सिटी इन डेली अगर हम बात करें तो राइट right? सो so अगर मैं बात करूं कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर होगा कब सो uh -huh. so, uh, जो आपका पिछला 2023 वाला एग्जाम था वो भी दिसंबर में कंडक्ट हुआ था सो so ये वाला एग्जाम भी टूवर्ड्स ऑफ द ईयर दिसंबर आपके बोर्ड से पहले कंडक्ट होगा राइट सो दिसंबर 2024 में होगा आपका एग्जाम

मिनट्स के अंदर आपके 150 questions रहेंगे राइट चलिए मैक्सिमम मार्क्स इज सो प्लस वन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड पॉइंट टू फाइव की नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपके चार क्वेश्चन गलत होंगे तब जाके आपका माइनस वन होगा राइट right? क्लियर है टेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहती है दिस इज फॉर आर क्लैट यूजी परफेक्ट आगे चलते हैं सो so, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्या कोई एज लिमिट है जी नहीं देर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर फाइव एल एल बी क्राइटेरिया क्या है कि आपने क्लास ट्वेल्व में पासिंग मार्क्स स्कोर करे हो पासिंग मार्क्स कितने फोर्टी फाइव परसेंट फॉर जनरल एंड एस सी एस सी के लिए फोर्टी परसेंट राइट सो देर इज नो एज लिमिट एलिजिबिलिटी ये है कि आपने अपनी क्लास ट्वेल्थ पास कर लेनी चाहिए अच्छा जी अगर हम बात करें सिलेबस क्या है मैम हमें क्या पढ़ना है इस एग्जाम में सो so, आपका जो सिलेबस है वो फाइव सेक्शन में डिवाइडेड है राइट right? सो so, सबसे पहला है इंग्लिश जहां पे आपकी ग्रामर सिनोनिम्स एंटोनिम्स एडवर्ब वो प्रोवर्ब्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन मेनली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहता है राइट right, अगर हम बात करें जीके एंड करंट अफेयर्स की जो आपका सेक्शन नंबर टू है यहाँ पे इवेंट्स करंट करंट अफेयर्स जो में न्यूज चल रही है उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए राइट सो इवेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड कल्चर हिस्टोरिकल इवेंट्स इंटरनेशनल अफेयर्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसको हम क्वानिटेटिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं राइट सो ये आपका टेंथ के लेवल तक का पूछा जाता है परसेंटेज एरियाज एल नंबर सिस्टम स्पीड टाइम प्रॉफिट लॉस डिस्टेंस प्रॉबिबिलिटी स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन रेशियो एंड Then we move on to the very important section, जो कि सबके लिए बहुत नया है, that is legal aptitude. आपको legal knowledge होनी चाहिए, राइट right? अभी इसका पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया मैं आपको समझाऊंगी द वीडियो और फिफ्थ है लॉजिकल रीजनिंग सबका फेवरेट राइट right, जो हर एक एंट्रेंस एग्जाम में चाहे वो गवर्नमेंट का क्यों ना हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन पूछा ही जाता है होगा अब कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे हर एक सेक्शन से सो नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली बताया गया है थर्टी uh, फाइव से थर्टी नाइन क्वेश्चन आपके जीके से आते हैं करंट अफेयर से ट्वेंटी थर्टी टू क्वेश्चन इंग्लिश से Logical reasoning की की बात करें अगेन 28 to 32 का है है सबसे सबसे कम आपका quantitative aptitude रहता है, right? And legal reasoning, 35 to 39 तो आप देख सकते हैं ज़्यादा और legal reasoning की वेटेज होती है सबसे कम आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होती है और ये इंग्लिश और आपका लॉजिकल रीजनिंग इक्वल रहता है uh, a grand total of 150 तक सभी को समझ आ गया बढ़िया करते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं तो मैं ये आपको बता दूं पैराग्राफ बेस्ड रहता है पूरा का पूरा पेपर इफ यू आर नॉट अ पर्सन जो रीड कर सके इफ यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग अ लॉट तो ट्रस्ट मी दिस इज नॉट योर फील्ड क्योंकि पूरा ही पेपर चाहे वो आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन क्यों ना हो उसमें भी आपको पूरा एक एक्सर् दिया होगा एडिटोरियल से चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो हो हिंदू कोई और और सोर्स पूरा आपको एक एक, एक दे दिया जाता है। और Z, जाता है है उससे रिलेटेड ए टू जेड हर डायरेक्शन में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा अगर हम की बात करें तो जैसे जब बनी द्रौपदी उनसे पहले कौन प्रेजिडेंट थी प्रतिभा पाटिल उन्होंने उसका लेके Z तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए। if we talk about current affairs. जैसे मैंने बोला पूरा का, पूरा का जाता है, लेकिन आपको आंसर एमसीक्यू में सेलेक्ट करना होता है राइट right? ये तो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के बारे में हो गया मूविंग फॉरवर्ड आपकी जो मैथ्स की अगर हम बात करें उसमें अगेन आपको कई बार ग्राफ दे दिया जाता है स्टैटिस्टिक्स नंबर्स दे दिए जाते हैं आपको रिलेट करना है मैच करना है तो अगेन एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश इंग्लिश तो जैसे मैंने बोला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में भी मोस्टली आपको पैराग्राफ दे दे जाते हैं और फिर उनसे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं ठीक है क्या उसके साथ जा रहा है मतलब इज इन लाइन विद वॉट हैज बीन सेड इज ऑपोजिट कैन नॉट बी डिराइव ये सब क्या करना है आपको एनालाइज करके बताना है सो so, बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है एज यूजल आई एम अगेन एंड अगेन एम्फरसाइजिंग सब कुछ रीडिंग बेस्ड पैराग्राफ बेस्ड रहता है पेपर ज्यादा लेंदी आता है इफ यू आर नॉट इन हैबिट ऑफ रीडिंग राइट अब हमारा क्या रह गया लीगल रीजनिंग सो अगर हम लीगल रीजनिंग की बात करें प्रॉपर सिलेबस जिसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट आ गया यू हैव प्रोविजन फ्रॉम आई पी सी यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो वो पूरा सिलेबस का आपको आई वुड से इंग्रीडियंट पता होने चाहिए हर एक सेक्शन के राइट right? सो so वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन इसमें आपको एक सिचुएशन दे, दे देंगे और उस सिचुएशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमाया जाता है कंफ्यूज किया जाता है so, सो आपकी ये जो स्टैटिक नॉलेज है वो बहुत ज्यादा एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए और आपको स्टिक करना है कि क्या पूछा है क्या रेलिवेंट है और क्या आंसर रहेगा राइट सो अगेन सबसे बेस्ट सोर्स जो मैं बुक्स की बात कर रही थी तो इफ यू आर एन एस्पिरेंट प्लीज डेली न्यूज पेपर रीडिंग शुरू कर दो क्योंकि अगर आप न्यूज पेपर ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो ट्रस्ट मी आई एम नॉट लाइंग ये पेपर uh, आपसे नहीं हो पाएगा यू हैव टू बी एन अविड लर्नर एंड अविड रीडर ऑफ न्यूज पेपर डेली आप पढ़ रहे हैं आप अवेयर हैं क्या इशूज हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता है उसका हिस्ट्री कैसे कब क्या हुआ क्लैरिटी ठीक है इशूज को एनालाइज करके उस पर क्लैरिटी होना राइट एंड रेगुलरली आपको रीड करना पड़ेगा अगर आप बीच में हफ्ते में एक दो बार पढ़ रहे हैं नहीं हो पाएगा रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं और बुक्स की बात करूं तो आपका लीगल के लिए ए पी भारद्वाज बहुत ज्यादा फेमस बुक है उसमें आप बेसिक एम सी क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं हाउएवर मैं कहूंगी न्यूज पेपर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आपका रहेगा पास्ट ईयर क्वेश्चन हम एनालिसिस पे भी एक वीडियो बहुत जल्दी ले आएंगे बिकॉज आई थिंक इसके बिना सब कुछ वेस्ट है राइट right? फिर भी बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल बहुत मोटी किताब है मैंने भी यही रेफर करी थी सारे ही कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए यही रेफर की जाती है सो so, आगे भी आपके काम आ जाएगी राइट right? दो सोर्सेस हमारे ये हो गए मैथ्स के लिए आई वुड से आपकी टेंथ की एनसीईआरटी काफी रहेगी या फिर वो आर डी शर्मा आप रेफर कर सकते हैं देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश इंग्लिश की काफी सारी बुक्स हैं बिगिनर लेवल के लिए एक है वर्ड पावर मेड इजी बाई नॉर्मन लुइस राइट एंड अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं स्टैटिक नॉलेज की तो आई वुड सजेस्ट पियर्स गाइड आती है पियर्सन मैनुअल फॉर जनरल नॉलेज आती है आप वो रेफर कर सकते हैं एंड करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो वी हैव वन सोर्स प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन ऑल्सो जो यूपीएससी की कोचिंग मटेरियल होता है मंथली करंट अफेयर्स, मंथली उसमें लीगल सेक्शन और पॉलिटी सेक्शन आप पढ़ सकते हैं राइट सो दैट विल बी अ स्मार्ट चॉइस क्लियर है एंड आपको न्यूज uh, तो रेफर करना ही है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस विच एवर यू लाइक राइट एंड बहुत सारे ऐप्स लाइव मेंट हिंदू का भी करंट अफेयर्स का ऐप होता है देन जी के टुडे ये सब आप डाउनलोड करके रख सकते हैं फॉर योर जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आई वुड से प्रैक्टिस एंड नॉलेज राइट अगर मैं और प्रेपरेशन रिसोर्सेज की बात करूं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है 20% परसेंट ऑफ ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शन तो यहां हमारे पास ड्यूरेशन है प्लस के लिए विच इज 12 मंथस एंड 6 मंथस प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन तो दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, राइट डिस्काउंटेड प्राइस इज थर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी रुपीज एंड फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्स एंड सिक्स अगर हम बात करें तो यही प्राइस एलिवेट होके इतना हो जाता है यू कैन यूज माय कोड पूर्वा 2022 फॉर अवेलिंग द डिस्काउंट आगे देखते हैं साथ ही साथ ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट भी हो रहा है सो यू कैन स्टार्ट योर क्लैट प्रेपरेशन आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं राइट सो मे 21 को है 2 पी एम ऑनवर्ड यू कैन स्कैन द कोड एंड एनरोल टूडे यूजिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो क्लैट प्रिंटेड मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं क्योंकि अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी तो करें हैं लेकिन उनको एम सी प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट्स को लेके राइट सो टेन सेक्शनल मॉक्स हैं टेन फुल लेंथ मॉक्स हैं आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाएंगे सो so इसकी भी सारी ही आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यू कैन सब्सक्राइब टू टू द प्रिंटेड मॉक टेस्ट्स एंड मे ट्वेंटी ट्वेंटी टेस्ट सीरीज का पूरा कैलेंडर आपके आगे है बहुत सारी फ्री मॉक टेस्ट्स हैं यू हैव द डेट एज वेल एज द टाइमिंग सो प्लीज एनरोल कीजिए फ्री रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा फायदा उठाइए यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो क्लैक ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एस्पीरियंस के लिए ये जो हमारा प्लस बैच चल रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं हु विल भी टेकिंग योर लीगल एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स तो सारी ही डिटेल्स और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डी ओ एल एल बी टारगेट कर रहे हैं आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएशन सो थर्टी डेज में डी ओ एल एल बी को कैसे क्रैक करना है कोर्स शुरू हो चुका है सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी वी हैव हैघवेंद्र प्रताप सिंह सर अग्निमित्र अमन सर एंड कृति सिंह मैम यहां पे आपको प्रैक्टिस बैच uh, होगा एमसीक्यूज लेंगे सैम्पल पेपर्स और पास्ट ईयर क्वेश्चन पे फोकस होगा राइट right? आपके लाइव वॉइस सोल्यूशन होंगे बाई द एजुकेटर स्ट्रेटजी सेशन टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेपरेशन टेस्ट सही, सभी रहेगा चलिए एवरीवन सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 आई होप आपकी मदद हुई और थोड़ी सी भी मदद हुई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल लेट्स क्रैक इट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो